करते हैं जो हम अभी पिछले 3-4 लेक्चर मैं प्रैक्टिकल क्लासेस ले रही हूँ आपके वेबिनार्स उन्हीं के कंटिन्यूशन में है राइट। तो अभी मैं आप स्क्रीन शेयर करके अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। देखिए स्लीव लॉक मैं आपको प्राइमरी स्लीव लॉक कल बता चुकी थी और आज मेरा ये सेकेंडरी स्लीव लॉक है। स्लीव लॉक में आपको जो मैंने अपने सेशंस लिए हैं उसमें शायद अब आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज फ्लैट पैटर्न मेकिंग और व्हाट इज ड्रेपिंग। ड्रेपिंग और दोनों ही पैटर्न बनाने का एक तरीका है ना, ताकि उसको बाद में आप कपड़े की कटिंग करके गारमेंट को स्टिच कर सको। और लेकिन उसमें कौन सी फ्लैट पैटर्न मेकिंग है और क्या क्या ड्रेपिंग होती है वो हम क्लियर कर चुके हैं। तो फ्लैट पैटर्न मेकिंग में ही आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्लीव लॉक। स्लीव लॉक पहले भी पढ़ा है लेकिन वो प्राइमरी स्लीव लॉक था। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज हम क्या क्या देखेंगे। एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्लीव सेकेंडरी ब्लॉक। स्लीव सेकेंडरी ब्लॉक क्या है, सैटिन स्लीव के कुछ स्टाइल्स हम देखेंगे इसमें, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद में एडेप्टेशन ऑफ सेकेंडरी स्लीव ब्लॉक। हम जो कल प्राइमरी ब्लॉक बनाया था हमने, लास्ट हमने प्रैक्टिकल जो हमने सिखाया था स्लीव का, तो उससे ही हम एडेप्टेशन करेंगे सेकेंडरी ब्लॉक का। और उसी जो कि एक सेकेंडरी ब्लॉक तो हम कौन सा बनाएंगे आज, जो सेमी फिटेड होगा, और दूसरा हम कौन सा बनाएंगे जो कि फिटेड होगा, है ना। दोनों आज हम ब्लॉक बनाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अब ये जो ब्लॉक आपके बन रहे हैं ये सैटिन स्लीव के लिए, जैसे डायरेक्ट आप ऐसे सैटिन स्लीव बना सकते हो बिना बॉडी इसको हेल्प लिए हुए, तो ये सैटिन स्लीव के ही है। तो एक स्लीव, स्लीव क्या है, अ स्लीव जॉइंट टू द बॉडी ऑफ अ गारमेंट बाय अ सीम स्टार्टिंग एट द एज ऑफ द शोल्डर एंड कंटिन्यूइंग अराउंड द आर्महोल। ये है आपकी सैटिन स्लीव, जो आपका आर्महोल वाला स्लीव का केप एरिया है जो आर्महोल में कंटिन्यू शोल्डर को क्रॉस करती हुई आगे जुड़ जाती है, वो आपकी सैटिन स्लीव होती है। और सेटिन स्लीव क्या, जो आपका ये ब्लॉक है वो पहले सेटिन स्लीव के लिए है, डॉलमन और रेगलन के साथ मुझे इसे बॉडीज के साथ में कंबाइन करके बनाना पड़ेगा, है ना। तो डॉलमन और रेगलन मैं आपको तब सिखाऊंगी जब मैं बॉडीज ब्लॉक का सेशन ले चुकी हूँगी राइट। अब ये हम देखे जो सेकेंडरी स्लीव ब्लॉक है, ये सेकेंडरी स्लीव ब्लॉक हम दो बनाते हैं, एक तो हम बनाते हैं सेमी फिटेड और एक बनाते हैं फिटेड। देखिए ये सेमी फिटेड और फिटेड बनाना क्यों जरूरी है। सेमी फिटेड आपने ब्लॉक कल बनाया हमने, तो हमने क्या किया, जो ब्लॉक को हम रिस्ट की तरफ लेके गए, विड्थ जो चौड़ाई स्लीव की, तो वो जो हमने अपर आर्म की मेजरमेंट लिया था वो ही सेम नीचे गिरा। लेकिन अगर उसको पहने का कोई भी व्यक्ति तो वो तो ढीली लगेगी, है ना, क्योंकि वो बिल्कुल आपके आपके आर्म पर फिट तो आगे रिस्ट तक वो फिट थोड़ी आएगी, क्योंकि वो रिस्ट का मेजरमेंट अलग है, आपके एल्बो से नीचे के जो हैंड है उसका मेजरमेंट अलग है, ऊपर जो आर्म है उसका मेजरमेंट अलग है। तो स्लीव ब्लॉक तो बना लिया हमने कि स्लीव इस तरीके से बनेगी, लेकिन एक्चुअली वो पूरी फिटेड रहे, ठीक है, जो कि फैशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो उसके लिए अब हम उस ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक में अडप्ट करेंगे, क्योंकि अब ये ब्लॉक आपने ये समझ लिया स्लीव ब्लॉक बनेगा कैसे। बनने के बाद में आपको अपने डिजाइनिंग की कोई स्लीव्स बनानी है, मान लीजिए आपको बनानी है लेगो मटन बनानी है, आपको पेगोडा बनानी है, तो आपको अब देखना है, आप तो सेमी फिटेड पहनते हो और फैशन में भी सेमी फिटेड है, तो अब मैं क्या उस ब्लॉक को कितना डेप्थ करके मैं पैटर्न दूसरा बनाऊंगी, उससे ज्यादा बेटर है मैं सेमी फिटेड का ही दूसरा ब्लॉक अपना क्रिएट कर लूँ, मैं फिटेड का ही दूसरा ब्लॉक अपना क्रिएट कर लूँ, और फिर उस ब्लॉक को फाउंडेशन पैटर्न बना के मैं आगे की मेरी जो स्टाइल्स बनानी है वो बना सकती हूँ इसमें, है ना। तो अभी इसमें देखिए ये जो आपका इसमें दिखाया गया है ये इस तरीके से ये फिटेड है, ये हमारा फिटेड और सेमी फिटेड ये बिल्कुल रिस्ट के बिल्कुल क्लोज आएगी पास पास, जबकि जो कल ब्लॉक बताया था वो इस ये थोड़ा दूर आएगा, उसका कॉन्टूअर जो है उसकी जो आउटर लाइन है इस साइड की वो इसका दूर आएगा। तो ये आपको आज हम ये बताएंगे जो आपके रिस्ट और हैंड के थोड़ा सा सेमी फिट हो और एक दूसरा जो ब्लॉक है वो बिल्कुल क्लोज फिट। आप देखते होंगे बहुत सारी स्लीव्स आपके हाथ पे बिल्कुल क्लोज फिट होती है, कुछ क्लोज फिट नहीं होती है। जैसे कि अगर हम देखें आपका जो जेंट्स का शर्ट है, शर्ट ज्यादातर क्या है वो ऐसा तो नहीं होता ना कि वो बहुत फिटेड होता है, जेंट्स शर्ट का जो है वो सेमी फिटेड होता है ना। तो आज हम ऐसे ही समझेंगे, आपने समझ लिया प्राइमरी ब्लॉक से जो सेकेंडरी हम बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं और होते क्या है ये दोनों, ठीक है। आगे हम चलते हैं।
ये देखिए, अब हम समझते हैं कि स्लीव्स कौन कौन सी है। जैसे स्लीव, सेटिन स्लीव में कौन कौन सी स्लीव है, क्योंकि इन इन ब्लॉक के बाद ही हम वो बनाने वाले हैं अपने आगे की जो स्लीव के पैटर्न है। देखिए कौन सी सेटिन स्लीव होती है, कुछ बिशप स्लीव है। आप गौर कीजिएगा, ये जितनी भी स्लीव मैं बता रही हूँ उसमें यहाँ पे सीन जा रही है, यानी सेटिन है अब ये सब, ठीक है। तो कौन कौन सी है, बिशप हो गई, पीजेंट हो गई, आपकी बेल जिसे फनल भी कहते हैं, लेंटर्न स्लीव हो गई, आपकी सर्कल में है ये सर्कल स्लीव है, इसको केप अवॉइड करें, शर्ट स्लीव है ये आपकी जहाँ ये कफ लगा हुआ है, यहाँ पे प्लाकेट है ना, और प्लीट दी हुई है इधर, ये पफ स्लीव है, ये मेलन स्लीव है, काउल स्लीव जिस तरीके से नेकलाइन में काउल काउल बना एरिया नेक के एरिया पे होता है ना, उसी तरीके से इसके हेड पे टॉप पे भी काउल बना होता है। ये पेटल जो पंखुड़ी की तरीके के से जो है ये देखो ऐसे पेटल स्लीव भी इसी में आएगी है ना, रोल अप ऊपर की तरफ मुड़ गई, लेगो मटन स्लीव है, शियर्ड यहाँ पे जैसे शियरिंग जो करते हैं ना उसी तरीके से यहाँ पे शियर्ड है, काफी सारे गैदर्स गैदर्स पास पास जब लगा देते हो तो उसे शियरिंग कहेंगे। उसके अलावा जूलियट है, ठीक है, उसके बाद में आपकी टू पीस टेलर्ड गारमेंट में जो बनती है वो स्लीव है। इसी को दूसरी उससे और समझते हैं, केप देखिए, ये केप है, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में कहा था उसे इग्नोर करें, ये है, ये आपकी केप स्लीव हो गई। कल में हमने आपको बताया था शॉर्ट कैसे बनेगी, आपके उसी ब्लॉक को जब आप फोर्थ में पार्ट में डिवाइड करेंगी जो फर्स्ट हिस्सा है केप स्लीव कैप की तरफ से वो आपका शॉर्ट स्लीव कहलाएगा, है ना। उसके बाद में ये ट्रम्पेट स्लीव हो गई है, ये जो स्लीव आप देख रहे हो ये आपकी पेगोडा स्लीव है, ठीक है, और इस तरीके से ये आपके अलग अलग स्लीव है। तो हम कुछ स्लीव इसमें से समझ लेते हैं कि किस कौन सी स्लीव कैसी है दिखती है और उसको बोलते हैं क्या है, ठीक है, और इसमें छोटा समझ लिया। अब हम पिक्चर से समझते हैं गारमेंट को, एक्चुअली गारमेंट पहने हुए को देख के समझेंगे और ये देखेंगे कि उस पूरी स्लीव के एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, ठीक है। देखिए ये जो आपकी बेल स्लीव है, अ लॉन्ग स्लीव दैट इज फिटेड फ्रॉम द शोल्डर टू एल्बो एंड जेंटली फ्लेयर्ड फ्रॉम एल्बो ऑनवर्ड्स, द बेल स्लीव इज वेरी सिमिलर टू द पोएट स्लीव बट हैज अ क्लीनर लुक ऑफन विदाउट रफल्स। ये बेल स्लीव है बट ये दो लेयर में है ना, ये बेल स्लीव नीचे अलग लेयर है ऊपर अलग लेयर है। अब इसमें क्या है, ये आप ये यहाँ पे से तो आपके आर्मोल में फिट होती है और नीचे की तरफ बहुत ज्यादा फ्लेयर होता है जैसे बेल की तरीके से, है ना, बेल ऊपर से छोटी होती है नीचे की तरफ से वाइड होती जाती है ना, वैसे ही ये स्लीव बेल स्लीव, बेल स्लीव आपके कोहनी तक की लंबाई की हो सकती है, 3/4 हो सकती है, फुल अब फुल बेल हो सकती है, ठीक है। तो ये स्लीव जो आपकी कहलाएगी इस तरीके की, ये देखिए ये आपकी बेल स्लीव है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ये आपकी पेगोडा स्लीव। पेगोडा स्लीव कौन सी है, पेगोडा स्लीव अ वाइड बेल शेप दैट बॉटम ओनली स्लीव पॉपुलर इन 1860s। ये जो स्लीव है ये 1860 में से पॉपुलर होना स्टार्ट हुई है, इसमें भी बेल है लेकिन बेल कहाँ पर है, ये देखो यहां तक तो ये बिल्कुल प्लेन आ रही है, नीचे है बेल इसमें, तो ये जो स्लीव कहलाई है हमारी पेगोडा स्लीव है। अब उसमें अगर ये एक लेयर है तो भी पेगोडा है, दो लेयर है तो भी पेगोडा है, तीन लेयर है तो भी पेगोडा है। अगर वो मान लो यहाँ से जुड़ रही होती तो अगर ये इसी फॉर्म में बनी होती तो भी आप इसको पेगोडा स्लीव बोलोगे। अगर मान लीजिए यहाँ तक ये स्ट्रेट स्लीव है उसके बाद ये वाला पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है लेयर्ड वाला है ना, सेपरेट लेयर्स जो है, तो आप इसको पेगोडा स्लीव ही बोलोगे। अगर मैंने पिक में आपको देखिए अगर ये दिखाया है कि यहाँ पे ये अगर फुल स्लीव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फुल जो होगी उसी को आप पेगोडा बोलोगे। कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होगा, पैटर्न का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होगा है ना, तो वो आपका कहलाएगी पेगोडा स्लीव, ठीक है। आगे चलते हैं, बिशप स्लीव। बिशप स्लीव क्या है, लॉन्ग स्लीव फुलर एट द बॉटम देन द टॉप एंड गैदर्ड इनटू अ कफ। ये 1940s से फेमस हुई है ये स्लीव। इस स्लीव में आप क्या देखेंगे, बॉटम में आपको एक कफ है, यहाँ पे गैदर्स दिए हुए हैं जहां पे फुला ज्यादा से फूली हुई है, और यहाँ पे आप देखें यहाँ पर कहीं तरीके से कोई फूली नहीं है ये वाली, है ना। तो ये इस तरीके की जो स्लीव्स होती है, इस तरीके की स्लीव्स जो आप देखें ये स्लीव आपकी कहलाती है बिशप स्लीव, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, बटरफ्लाई स्लीव। देखिए बटरफ्लाई स्लीव यूजुअली फाउंड ऑन ड्रेसेस और फॉर्मल ब्लाउजेस दैट स्टार्ट एट द शोल्डर एंड गेट वाइडर टुवर्ड द एंड ऑफ द स्लीव। अब आप कहेंगे यही तो डेफिनेशन हमने उसकी बताई, उसमें फर्क है, जो बटरफ्लाई स्लीव है ना आपकी बेल की तरह बनेगी लेकिन जो ये एरिया है ये स्प्लिट हो जाएगा,
जैसे पंख उसके बटरफ्लाई के पंख होते हैं तिरछे नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, वैसे यहां से हटके वो स्लिट बन के और वो दो हिस्सों में टेपर्ड होके जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये दिख रही है आपको इस तरीके से, ये भी वाइड है नीचे की तरफ, ये भी बहुत चौड़ी बनी हुई है ना, लेकिन ये बेल का फॉर्म है तो इस तरीके की जो बनी हुई होगी वो आपकी कहलाएगी बटरफ्लाई स्लीव। ठीक है, बटरफ्लाई स्लीव है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम पफ स्लीव। पफ स्लीव ज्यादातर आप देखें बच्चों के गारमेंट में होती है, और क्रिश्चियंस जो वेडिंग गाउन्स होते हैं उनमें पफ स्लीव होती है ना। और ये जैसे जिन लोगों के हाथ थोड़े से बहुत पतले से होते हैं उसके लिए ये यूज की जाती है। और बच्चों के गारमेंट में आप देखेंगे, चाहे वो टॉडलर से लेकर और बहुत टीनेज तक हो, बहुत ज्यादा ये पफ स्लीव्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कैसी हो सकती है, यहाँ से देखो फूली होगी, यहाँ पे गैदर्स होंगे और बॉटम में भी गैदर्स हो जाते हैं उसके। ठीक है, और उसको यहाँ पे रोका जाता है छोटे से कफ की सहायता से, बैंड की सहायता से, पाइपिंग की सहायता से, किसी से भी आप उसको यहाँ पे गैदर्स को रोक सकते हो। ठीक है, ये कैसी हो सकती है, ये फुल हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, थ्री-फोर्थ हो सकती है ना, ये दोनों तरीके से हो सकती है। और इस तरीके की स्लीव को आप कहेंगे पफ स्लीव। ठीक है, ये देखो सीम, अभी सब ध्यान दो, मैं सारी इसी सेटिंग की बात कर रही हूँ, सबका जो सीम है वो अरमोल पर ही आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कैप स्लीव। कैप स्लीव अ वेरी शॉर्ट स्लीव कवरिंग ओनली द शोल्डर नॉट एक्सटेंडिंग बिलो आर्मपिट लेवल। ये जो कैप स्लीव है ये बहुत शॉर्ट स्लीव है, ये शोल्डर पे के आसपास के एरिया को कवर, शोल्डर के आसपास जो आपका हाथ का एरिया उसको कवर करती है, लेकिन आर्मपिट है बगल उसके लेवल से नीचे नहीं जाती है ये। ये देखो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, ये इस तरीके की जो स्लीव है ये देखिए, ये बस यही तक है, ये जो नीचे आर्मपिट है उसके नीचे जाके इसकी सिलाई नहीं आ रही होती है। तो इस तरीके की जो स्लीव्स है ये आपकी कैप स्लीव कहलाती है। ठीक है, आगे आप देखें जूलियट लेगो मटन स्लीव दैट एक्सट्रीमली वाइड ओवर द अपर आर्म एंड नैरो फ्रॉम द एल्बो टू द रिस्ट। इस तरीके की जो स्लीव्स होती है ये देखिए, जूलियट स्लीव जो है ये लेगो मटन सॉरी, ये यहाँ पे से तो फिटेड होगी, बिल्कुल फिटेड होगी, और यहाँ पे से ऊपर से बहुत आर्म वाला जो एरिया है वहां से बहुत फूली हुई होती है, और नीचे हैंड वाला जो एरिया रिस्ट तक ये बिल्कुल फिटेड होती है। इस स्लीव्स को आप बोलोगे लेगो मटन स्लीव। ये अभी देख लीजिए एक बार, हमने सारी स्लीव देखी एट अ ग्लांस, आप वापस से देखो, हमने बेल आपको बताई। ठीक है, प्लेन स्लीव सबको पता है इसलिए मैंने वो आपको बताई नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको सारी स्लीव सैटन की मैंने दिखा दी थी कि किस किस तरीके की है, उनमें से कुछ हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। ये बेल है, ठीक है, बेल के बाद में इस, ये हमारी जूलियट पेगोडा स्लीव है, उसके बाद ये हमारी बिशप स्लीव है, बिशप स्लीव के बाद में नेक्स्ट ये हमारी आई बटरफ्लाई स्लीव है ना, बटरफ्लाई स्लीव के बाद में ये हमारी पफ स्लीव है, पफ स्लीव के बाद ये हमारी ये जो केप स्लीव है, और उसके बाद में ये हमारी लेगो मटन स्लीव है जो हमने आपको यहाँ पे बताई है। अब हम चलते हैं अपने ब्लॉक की तरफ, ठीक है, कि ब्लॉक कैसे बनेगा, ब्लॉक किस तरीके से हम प्राइमरी से सेकेंडरी बनाएंगे, है ना, उधर वहां हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कल साइज 12 के मेजरमेंट मैंने आपको ये डी तक दिए थे, कौन कौन से मेजरमेंट थे, अपर आर्म गेट थी आपकी 28 प्लस 6 सेंटीमीटर ईज 34 सेंटीमीटर, फुल लेंथ थी 59 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ स्लीव हेड था 15 सेंटीमीटर, टॉप ऑफ स्लीव हेड था 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेजरमेंट कल हमने दिए थे क्योंकि इन मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट आपको केवल प्राइमरी ब्लॉक के लिए, बस इतनी मेजरमेंट चाहिए थे आपको, तो मैंने आपको ये वाले सारे मेजरमेंट दे दिए। लेकिन अब आप हम जब आगे बात कर रहे हैं तो हमें सेकेंडरी ब्लॉक के लिए हमें मेजरमेंट्स चाहिए, कौन से चाहिए, एल्बो गिर्थ चाहिए हमें, एल्बो गिर्थ, ये जो गोलाई, ये वाला जो मेजरमेंट है कोनी वाला, ये देखिए यही रहा, ये जो गोलाई वाला मेजरमेंट होगा एल्बो, इस ये मेजरमेंट आपका एल्बो गिर्थ है ना, पूरा चारों तरफ राउंड अराउंड मेजरमेंट लेंगे वो एल्बो गिर्थ है, उसमें 5 सेंटीमीटर ईस्ट के लिए ऐड किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा रिस्ट गिर्थ है, कलाई की अब मेजरमेंट है, उसकी गोलाई में मेजरमेंट लिया हुआ है, लेकिन ये सेमी फिट का है तो सेमी फिट में तो ईस्ट कितनी रखी है 8 सेंटीमीटर, तो टोटल 24 सेंटीमीटर हो गई।
और रिस्ट गिर्थ फिटेड के लिए कितनी रखी है 3 सेंटीमीटर, तो ये टोटल 19 सेंटीमीटर आपकी हो गई है। ठीक है, तो ये आपके मेजरमेंट है जो आज ऐड किए हैं, जिसकी जरूरत हमें आज के पैटर्न में पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखिए कल हमने, मैं कल का भी समझाना जरूरी है क्योंकि इसी से हम अडेप्ट करने वाले हैं, जो हमने कल बनाया था, कल काम किया था, उसी से हम आगे अडेप्ट करेंगे। तो आप देखिए इसमें हम कल हमने लेंथ और विड्थ इसकी ले ली थी, जो स्लीव लेंथ थी, और उसके बाद में अपर आर्म की जो विड्थ थी ये हमने ली, उसके बाद में चार डिवाइड किया और फोर आर्म, ये सेंटर लाइन और ये बैक आर्म है आपकी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमने ये साइड में जो आप देख रहे हो इससे हमने शेप दे दी थी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा इस तरीके के हमने स्लीव ब्लॉक क्रिएट कर लिया था। ठीक है, स्लीव ब्लॉक क्रिएट किया, स्लीव ब्लॉक क्रिएट करने के बाद में ये सारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं अब हम सेकेंडरी ब्लॉक की तरफ। सेकेंडरी ब्लॉक ये देखिए, अब आप क्या करेंगे, वो जो मेजरमेंट्स हमारे फर्स्ट लिए थे, तो आप सबसे पहले ये वाला जो मेजरमेंट है, जो आपका 34 सेंटीमीटर आया था कल, उसमें से आप एल्बो का मेजरमेंट माइनस करें और आप रिस्ट कलाई का मेजरमेंट माइनस करें। यहां आप देखिए मेजरमेंट शीट पे वापस आए, देखिए रिस्ट गिर्थ 24 सेंटीमीटर है कलाई की और अपर आर्म गिर्थ 34 सेंटीमीटर है। डिफरेंस कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस हुआ दोनों में। ठीक है, इसी तरीके से एल्बो गिर्थ 31 सेंटीमीटर है, ये 34 सेंटीमीटर, डिफरेंस कितना हुआ, ये डिफरेंस आपका 3 सेंटीमीटर का हुआ। ठीक, 10 सेंटीमीटर का यहाँ डिफरेंस, 3 सेंटीमीटर का। अब आप पैटर्न में ये चीजें आगे अडेप्ट करोगे। देखो यहाँ पे देखिए साइड में कोई शेप नहीं थी, किसी तरीके का कोई डार्ट नहीं था, कहीं कोई फिट नहीं थी। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाइए आप सबसे पहले इस यहाँ पे, तो 2 सेंटीमीटर पे एक निशान लगाइए। आप ये जोड़ो कितना है टोटल, 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 10 ही कम करना है ना हमको, 34 भाई आपकी जो रिस्ट का मेजरमेंट है वो तो आप लेंगे ही। उसके बाद में ये यहाँ पर आपका 1.5 और ये 1.5, जब आप ये डायगोनल लाइन मिलाओगे तो ये आएगा। ठीक है, कुछ थोड़ा सा यहाँ कम हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर तो हल्का सा यहाँ पे बीच में भी होगा। अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर डायगोनल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये कटिंग होगी यहाँ, ये लाइन कटिंग होगी। उसके बाद अब आप यहाँ से जो आपकी सेंटर लाइन थी उसका 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर आप इधर लीजिए और ये आपकी यहां से यहां पे ये लाइन आपने एल्बो तक ड्रॉ कर ली, एल्बो लाइन तक आपने इसको ड्रॉ कर ली। एल्बो लाइन तक ड्रॉ करने के बाद में ये टोटल 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि अभी आपको क्लोज करना है, बंद करना है अभी इस हिस्से को आपको। ठीक है, बिल्कुल इसको इसके पास लाके आप क्लोज करेंगे। सेम ऐसे आपने जो आपकी बैक आर्म लाइन थी उसमें आपने 2 सेंटीमीटर टोटल लिया और यहां से नहीं काटेंगे आप, इसको टैपर्ड करेंगे केवल यहां तक। और यहां बैक अंडर आर्म के लिए आपने क्या किया, 2 सेंटीमीटर यहां से लिया, तो टोटल आप 10 सेंटीमीटर नीचे से मेजरमेंट कम कर दो। थोड़ा सा मुश्किल है पर आएगा समझ में, है ना, क्योंकि ड्राफ्टिंग आप कर रहे हो, पैटर्न मेकिंग है, पैटर्न मेकिंग आपको मालूम है अपैरल इंडस्ट्री में पैटर्न मेकिंग इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। पैटर्न मेकिंग जो है वो इंडस्ट्री की बैकबोन है। ठीक है, तो मुश्किल तो है पर आप कोशिश करो, आएगा समझ में आपको। ठीक है, तो आपने अब जैसे कि ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, आप मुझे चैट में लिखते जाएं क्योंकि मैं आगे तभी बढ़ूंगी जब आपको समझ में आएंगे कि आपको ये समझ में आ गया कि कम कितना करना है और कैसे करना है। हाँ, 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस था, माइनस कर लिया आपने ये 2 सेंटीमीटर। देखो साइड में ये यहां से कट करना है, यहां पे बिल्कुल अलग नहीं होगा, ये डायगोनल लाइन जाएगी, थोड़ी सी स्लांट है ये। अब आपको शेप देनी है, आपके हैंड के अकॉर्डिंग शेप देनी है ना, तो ये बैक अंडर आर्म पे भी आपको शेप देनी है हैंड के अकॉर्डिंग। इसलिए ये जो है 2 सेंटीमीटर, ये दो ये आप क्लोज होंगे, ये और ये भी क्लोज होंगे। ये नेक्स्ट में देखो क्लोज करके दिखाया है, लेकिन क्लोज करते समय क्या होगा, अब आपने कम किया है तो आपको एल्बो पे फुलनेस चाहिए क्योंकि वहां पर डार्ट आएगी।
है ना। तो अब आप इसको, इस लाइन को यहां से काटेंगे, कहां तक काटेंगे, सेंटर लाइन तक काटेंगे। अब आपने जब इसको क्लोज की, देखो आप 4 सेंटीमीटर वाली को यहाँ क्लोज कर दिया आपने, 4 सेंटीमीटर वाली को यहाँ क्लोज किया आपने, आपने 2 सेंटीमीटर को यहाँ क्लोज किए हैं और आपने 2 सेंटीमीटर यहाँ से लेके कटिंग कर दी है। फोर आर्म लाइन पर कोई स्लैश नहीं दिया है, कहीं कोई स्लैश नहीं है फोर आर्म लाइन पर, केवल बैक आर्म पे है आपका, सेंटर लाइन पर है और साइड में शेप की हुई है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपका 10 सेंटीमीटर कम तो यहाँ हो चुका है। अब आपने ये डार्ट आपकी ओपन हो गई, डार्ट ओपन होने के बाद में आप क्या करेंगे, ये डार्ट इतनी लंबी, अभी तो आपने अपने आप पैटर्न को खुलने दिया है, स्लैश जब किया, जब स्लैश किया आपने तो पैटर्न अपने आप खुला है इस जगह से, तो आप जितना खुल रहा है उतना जाने दें उसे, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में आपको उसे डार्ट की जो इनटेक है और डार्ट लेग की जो डेप्थ है वो आप उस हिसाब से अपनी केवल बैक आर्म लाइन तक ही ड्रॉ करेंगे, है ना। यहां तक सभी लिख रहे हैं, ये कौन सी स्लीव का पैटर्न बता रहे हो आप, ये मैं सेकेंडरी ब्लॉक बता रही हूँ, प्राइमरी ब्लॉक में आपका रिस्क यहाँ हाथ पे से फिटेड नहीं आएगा, इसलिए मैं अब आपको एडेप्ट करना सिखा रही हूँ सेकेंडरी ब्लॉक, ठीक है। यूजुअली मैं बताऊं होता क्या है बच्चों, अब ज्यादातर बच्चों के मैंने देखा है वो इस तरीके से ना डायरेक्ट करी हुई होती है, और ज्यादातर मैंने मतलब, लेकिन आप ये तो सीखो इस तरीके से अगर डार्ट ओपन हुआ, स्लांट हुआ, हुआ कैसे, टेक्निक क्या है, बेसिक से तो समझो आप इसको। चाहते तो हम डायरेक्ट आपको मैं यही ब्लॉक बता दूं, लेकिन उससे ना तो आप ये समझ पाओगे कि ये फुलनेस आई किस तरीके से, शेप आई किस तरीके से, डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया गया, तो वो चीजें नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से लेके और फाइनल जो सेकेंडरी अडेप्ट करके बनाते हो, अब आगे आपके वही सेकेंडरी वाले काम आएंगे, प्राइमरी काम नहीं आएगा आपके ब्लॉक, लेकिन समझना जरूरी था कि बना कैसे ये, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे डार्ट आई कैसे, यहाँ एल्बो पे डार्ट दी आपने, तो आप उसने उसका डार्ट का जो इंटेक है वो लिया कैसे, डिसाइड कैसे किया कितना इंटेक लेना है मुझको, ठीक है, वो बच्चों को आना चाहिए आप लोगों को। तो आप ये देखिए हमारा ऊपर वाले पैटर्न को हम कहीं नहीं छेड़ रहे हैं, हमने केवल 10 सेंटीमीटर यहाँ से कम किया, और जो एल्बो का मेजरमेंट का डिफरेंस था, जब आप ये टेपर्ड और स्लैश करके सेट करोगे तो आपका वो मेजरमेंट आ जाएगा, ठीक है। और फिर भी आप बीच में चेक करते रहना कि 31 सेंटीमीटर मेरा ये मेजरमेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक आ गया है आप लोगों को, क्योंकि चैट में आप यस मैम लिख रहे हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ती हूँ अब मैं, ये और से क्लोज देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ये देखिए, पहले वाली में कहां तक कटिंग हुई थी, यहां तक सेंटर लाइन तक कटिंग थी, लेकिन अब आपको सेंटर लाइन से क्या करना है, सेंटर लाइन से आपको इसकी जो डार्ट का क्लोज करेंगे, किधर ले जाएंगे, ऊपर की तरफ। आप ये जो एरिया है आपका आर्म वाला एरिया, एल्बो तक, केप से लेके एल्बो तक, इस पैटर्न को छेड़ेंगे ही नहीं, यहाँ से पैटर्न नहीं हिलेगा, पैटर्न में जो भी स्लैश होना है या फिर आपको पैटर्न मूव होना है वो नीचे वाला ही होगा। तो आप इसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ थोड़ा सा लेके जाएंगे डार्ट को, आप जो आपकी बैक आर्म लाइन थी वहां तक इसका लेग की लेंथ ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद में ये अराउंड इस तरीके से 2.5 के आसपास छोड़ के, और ये आपका शेप आपकी स्लीव की आ गई। तो अब आपका ये जो फाइनल पैटर्न बना, देखिए यहां तक आपने अभी आप अडेप्टेशन कर रहे थे, और अब यहाँ फाइनल पैटर्न आपका सेमी फिट स्लीव का क्रिएट हो गया। उसमें ये दिखाया गया कहाँ कहाँ कम किया मैंने, मैंने ये लाइन जो मेरी थी ये वो थोड़ी सी तिरछी हो गई, अब आप देखो पहले सीधी थी लेकिन अब ये मेरी बैक आर्म थोड़ी सी स्लांट हो जाएगी, फोर आर्म नहीं होगी, बैक आर्म स्लांट होगी, क्योंकि फोर आर्म में तो मैंने कोई चेंजेस किया ही नहीं है, फोर आर्म को तो मैंने स्लैश किया ही नहीं है, तो बैक आर्म ही होगी। अब हम इसमें देखेंगे सेंटर वाला लाइन होगी और बैक आर्म होगी। इसमें आप देखिए ये दोनों बंद हो गए हैं आपके, और ये इस जगह पे जो भी मेजरमेंट आया, मैं मेजरमेंट सेंटीमीटर में नहीं बता रही, 2.5 आपने इसको डार्ट का इंटेक ले लिया, और डार्ट का इंटेक कैसे डिसाइड करेंगे, ये भी साइजेस के अकॉर्डिंग है ना, और वो आपने डिसाइड लिया, और बाकी क्योंकि आपको ये साइड वाइज लाइन और ये लाइन दोनों मिलानी है, तो पैटर्न में जो भी मूव चेंजेस इसकी और इसकी लेंथ को तो बराबर रखोगे तो डार्ट बंद होने के बाद बराबर आ जाए, उतना हमने फिर इंटेक उसका ले लिया, सेट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारी बन गई सेमी फिट।
आप मुझे चैट में लिखें क्या सेमी फिट आ गई आपको समझ में। क्योंकि आप सेमी फिट अगर समझ में आ गई आपको तो मैं अब आपको फिटेड की तरफ आगे ले जाऊंगी। अनिल कुमार यादव ने लिखा यस। दीपमाला जयपुर लिख रही है मैम एक बार फिर से रिपीट करो। ठीक है मैं थोड़ी सी मुश्किल है मैं दोबारा रिपीट करती हूँ इसको। कल तक आपको ये कल हमारा ब्लॉग जो समझाया था सेंटर लाइन को कट क्यों किया आपको कलाई के जो आपका ये हाथ है इसके हिसाब से मेजरमेंट का डिफरेंस तो सेट करोगे ना। अब आर्म का मेजरमेंट ज्यादा है और हैंड का नीचे रिस्ट तक एल्बो से रिस्ट तक का मेजरमेंट कम है 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो 10 सेंटीमीटर के डिफरेंस को हम और पैटर्न की शेप को हाथ की जो आपकी आउटर लाइन है उसके हिसाब से लाने के लिए कट तो कट किया गया है वहां से है ना इसलिए कट किया गया है। और सबसे ज्यादा सेंटर में क्यों कट गया देखो आप भी अपने हाथ को देखोगे सब एनाटॉमी के अकॉर्डिंग है कि आपका एल्बो से लेके तिरछा जा रहा है एल्बो से लेके जब आप देखोगे तो कम 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 होता गया रिस्ट की तरफ मेजरमेंट तो उसको धीरे 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 ही कम करेंगे इसलिए हमने उसको कट किया गया है। ठीक है यहां से देखिए कल का पैटर्न सबको क्लियर समझ में आ गया था। अब आगे बढ़े हमने यहाँ पे अपर आर्म का जो 34 मेजर सेंटीमीटर मेजरमेंट था नीचे वाला मेजरमेंट 24 सेंटीमीटर था 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। एल्बो से नीचे आपका जो रिस्ट की तरफ का हैंड होता है वो उसका मेजरमेंट आपका आर्म के मेजरमेंट के तुलना में कम होता है और वो धीरे 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 कम होता चला जाता है इसलिए हम एकदम से यहाँ 4 सेंटीमीटर कम नहीं कर देंगे कि अच्छा हमें एल्बो लाइन से नो एल्बो से एकदम से थोड़ी हो रहा है वो कम कम तो केवल कलाई की तरफ से हो रहा है तो धीरे धीरे ही कम करोगे आप उसको। ठीक है तो आप क्या करेंगे फिर फोर आर्म पे कोई आप स्लैश नहीं लगाएंगे आप सबसे पहले तो साइड की शेप देंगे 2-2 सेंटीमीटर उसके बाद में आप सेंटर लाइन को 4 सेंटीमीटर देंगे क्योंकि 4 इसलिए दिया एक्चुअली ये 2 ही है सेंटीमीटर लेकिन एक्चुअली 2-2 सेंटीमीटर ही आपने किया है लेकिन क्या है ये सेंटर लाइन है तो आपकी आधे पैटर्न में 2 और आधे पैटर्न में 2 ही हो रही है एकदम से 4 नहीं हो रही है। आप देखो हमने 2-2 सेंटीमीटर इक्वल पोर्शन में बांट के हमने इसको किया है तो आप यहाँ भी दो लेकिन ये सेंटर लाइन के इस साइड दो इसलिए टोटल वो 4 हो गया है। अब हमें हमने इसको बिल्कुल सीधा नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि आपका एल्बो से वो स्लोली स्लोली रिस्ट की तरफ का मेजरमेंट कम हो रहा है एकदम से कम नहीं हो रहा एकदम से 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस नहीं आ रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है ना इसलिए लिया गया। फिर आपने इसको जब आपने इसको जब आप इसको स्लैश करेंगे तो साइड को तो आपने एज इट इज आपकी आपकी फोर फ्रंट अंडर आर्म और बैक अंडर आर्म तो आपको शेप आपको मिल गई है और यहाँ आप बैक की तरफ से इसको 2 सेंटीमीटर क्लोज कर देंगे सेंटर से 2 सेंटीमीटर क्लोज कर देंगे। इसमें साथ ही साथ में एक बात और बता दूं जो आप देखते हो शर्ट में प्लैकेट आती है वो शर्ट की प्लैकेट हमेशा बैक आर्म लाइन पर आती है। ठीक है ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो बैक आर्म लाइन पर आती है। फिर आप यहाँ देखें ये क्लोज हो गया यहाँ पे यहां से आपने क्योंकि एल्बो में फुलनेस देनी है तो आप यहाँ पे स्लैश करेंगे आपकी बैक आर्म लाइन क्लोज हो गई आपकी सेंटर लाइन क्लोज हो गई है और ये आपका एल्बो की तरफ से ओपन हो गया स्प्रेड हो गया किसके लिए फुलनेस डार्ट के लिए। फिर आगे आप देखेंगे ये पैटर्न आपका इस तरीके से ये क्लोज होके यहाँ पे ओपन रहा और आपने डार्ट की जो आपकी लेग है उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट जो बैक आर्म लाइन थी वहां तक लिया और आपका ये पूरा पैटर्न रेडी हो गया। ठीक है अब नेक्स्ट स्लाइड में हम फिटेड ब्लॉक कैसे बनेगा बस एक ही स्टेप और आगे जाना है और कोई चेंजेस नहीं है यहां तक तो सेमी फिटेड है क्योंकि मेजरमेंट में अब आप पीछे वाले स्लाइड में मेजरमेंट का डिफरेंस देखो ये कितना आया 19 सेंटीमीटर ये कितना था 20 अब ये और फिटेड है रिस्ट गिर्थ में सी जो आपने ईज ली है वो 3 सेंटीमीटर ली है। ठीक है तो अब आपने ईज जब 3 सेंटीमीटर ली है तो आपको फिर से रिस्ट को कम करना है फिर से कलाई को कम करना है पर अब कम क्या करना है अब यहाँ पर आप अपने शर्ट को देखेंगे तो शर्ट में प्लीट आती है ना कफ के साइड में तो वो फिट करने के लिए ही दी जाती है
क्योंकि आपका कलाई से लेके ऊपर तरफ का जो हैंड है उसका मेजरमेंट तो थोड़ा सा ज्यादा होता है, कलाई का बिल्कुल फिटेड है, तो वो आप प्रोपोर्शन में ही कम ज्यादा कर सकते हो अपने मेजरमेंट को। तो ये 19 सेंटीमीटर है, अब आप देखो 24 से 19 में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है बताओ, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर डिफरेंस है ना। तो अब आपको अपने पैटर्न को बॉटम से 5 सेंटीमीटर और कम करना है। आप इसमें एक बात विशेष ध्यान रखें कि हमने यहाँ अपर आर्म का मेजरमेंट फिट लिया था, फिट, तो यहां से तो हमें कोई चेंजेस करना ही नहीं है क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी मेजरमेंट जो फिटेड होता है वही लिया और उसमें ईज लिया है। हमने नीचे की तरफ का मेजरमेंट लूज लिया है, वो हमने एग्जैक्ट नहीं लिया रिस्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए हम नीचे की तरफ अडेप्ट करने में जो भी करेक्शन कर रहे हैं, जो भी चेंजेस कर रहे हैं, वो हम नीचे ही कर रहे हैं रिस्ट की तरफ। अब आप ये देखें ये रिस्ट की तरफ, ये फिटेड में क्या करना है, डिफरेंस कितना था, 5 सेंटीमीटर है ना। अब आपकी ये बैक आर्म की जो लाइन है वहां पर आप ये डार्ट लगाएंगे जिसका इनटेक टोटल है 5 सेंटीमीटर, 2.5 इधर, 2.5 इधर। अब ये डार्ट आ गई जो आप यूजुअली पैटर्न ब्लॉक में देखते हैं। ज्यादातर लोग जो बताते हैं, जो ज्यादातर लोग आप देखोगे, आप अपना ब्लॉक ये ही स्वरूप में देखते हो, इस तरीके से आप अपना ब्लॉग देखते हो जो बना हुआ होता है मार्केट में भी, से में भी जो मिलेगा आपको, जो आपका रेडी ब्लॉग रहेगा। बट वो फिटेड स्लीव ब्लॉग बना कैसे, मैंने आपको वो पूरा समझाया, इस तरीके से फिटेड आपका जो प्राइमरी ब्लॉग था उसको अडेप्ट करके फिटेड स्लीव ब्लॉग बना। तो ये आपका रिस्ट के मेजरमेंट में 5 सेंटीमीटर हमें और कम करना था, हमने यहाँ पे बैक में, बैक जो आर्म लाइन थी वहां पे, यहाँ पे डार्ट आएगा, ये आपका जितना था सेम एज इट इज रहा, कोई चेंजेस नहीं करने। अब इस जगह आप क्या कर सकते हो, डार्ट भी दे सकते हो, और यदि इस तरीके की स्लीव में ज्यादातर क्या करना होता है आपको, फिटेड स्लीव जब हम बनाते हैं तो आपको ओपनिंग प्लैकेट देने होंगे, फास्टनर्स की सहायता से वो जुड़े, या फिर ऐसा करना होगा क्योंकि वो बिल्कुल फिट है तो कलाई पे से तो आ जाएगी, लेकिन आपको तो पूरे हैंड में से गारमेंट को पहनना होगा ना, तो वहां दिक्कत कर सकती है, इसलिए फिर ऐसी स्लीव्स में आपको यहाँ पर जरूर देनी पड़ेगी उतनी। या तो आप थोड़ा सा कोई स्लिट बना दें, या फिर आप उसमें प्लीट देके प्लैकेट बना दें, है ना, तो या फिर कुछ टैब लगा दें जिसमें बटन लगा हुआ हो, या कंटिन्यूअस प्लैकेट लगा के यूज करें, तो आपको ये देनी ही पड़ेगी इसमें, क्योंकि आप चाहते हो मुझे रिस्ट पे से फिट रहे, मुझे हैंड से भी फिट रहे, लेकिन आप ये भी तो नहीं भूलोगे कि यहीं से पहनोगे ना, तो हाथ वाले एरिया का मेजरमेंट, वो तो रिस्ट तो छोटी है, लेकिन आप अगर हाथ का मेजरमेंट लोगे वो ज्यादा, तो फिर आएगी कैसे। तो आपको फिर इसमें आपको देनी ही पड़ेगी ओपनिंग, आपको प्लैकेट बनानी पड़ेगी, आपको उसमें फास्टनर्स यूज करना ही पड़ेगा, चाहे आप डोरी करें, चाहे आप बटन करें, चाहे आप जिप करें, आपकी इच्छा है, आप कुछ भी यूज करें, पर आपको इसमें देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज ये इसके बाद में अब जो पैटर्न अब आपके बनेंगे, जितने भी जैसे अब पैटर्न आपके बनने वाला है, कौन सा बनने वाला है, पफ स्लीव, पेगोडा स्लीव, है ना, लेंटर्न स्लीव, वो सारे पैटर्न अब इस ब्लॉक से बनेंगे। अब आप प्राइमरी भूल जाओ, सेकेंडरी भूल जाओ, आपका ये जो फिटेड ब्लॉक है ये प्रॉपर आपको अपनी मेजरमेंट का बना के रखना है, ये आपको रेडी रखना है, क्योंकि इसी ब्लॉक से अब सारी जो स्लीव बनने वाली है, चाहे वो कैप स्लीव है, चाहे वो बेल स्लीव है, चाहे वो आपकी लेंटर्न है या पेटल है ना, या फिर आपकी लेगो मटन है, जितनी भी है, अब वो इसी ब्लॉक से बनने वाली है। इस ब्लॉक पे एक और ध्यान रखना है, देखो फ्रंट पे FR लिखना है, जो फ्रंट वाला एरिया, नॉचेस तो लगाने ही लगाने आपको, लेकिन फिर भी FR BK बैक, FR फ्रंट, ये मतलब होता है, ठीक है। ग्रेन आपको रखनी है, आपको क्या है फिटेड स्लीव साइज इसमें है वो लिखना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको स्लीव में लिखनी होती है, पैटर्न में लिखनी होती है। और ध्यान जो रखना है वो आप ये देखें कि आप जब पैटर्न बनाते हैं तो इसमें जब आप यहाँ पे नॉचेस इस जगह पे भी लगेंगे, अब जब पैटर्न बन रहा, क्योंकि अब इसमें डार्ट की पोजिशन आ गई इनमें, तो यहाँ के जो मैंने आपको स्लीव कैप पे बताया था, स्लीव कैप के साथ साथ नॉचेस जो आपके लगेंगे वो आपके डार्ट जहां पर भी है, डार्ट लेग का एंड, वहां पर भी अब नॉचेस लगेंगे। अब नीचे यहाँ रिस्ट की साइड भी नॉचेस आएंगे और आपका सेंटर पे भी आएगा, ताकि पैटर्न पूरा आपका बैलेंस रहे, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा वो आप एक बार देख लें,
क्योंकि मैं एक असाइनमेंट देने वाली हूँ, बच्चे असाइनमेंट सब टाइमली करके भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और इसके अलावा मैंने जब कहा कि आप टाइप अपना असाइनमेंट ना भेजें, आप मुझे अपने एक नोटबुक में लिख कर भेजें, उसके बाद ये चीज भी बहुत अच्छी है कि सभी बच्चे नोटबुक में लिख कर हैंड राइटिंग से भेज रहे हैं, हैंड रिटन भेज रहे हैं, और उसमें सब मतलब मैक्सिमम बच्चे मुझे उसी तरीके से भेज रहे हैं। इक्का दुक्का है जो उन्होंने पीपीटी फॉर्म में भेजा है, वो और भी अच्छी बात है ना, आपने कोशिश तो की कम से कम। तो आज असाइनमेंट में आज आपको दूंगी ये ब्लॉग आप बनाए दोनों, ये थोड़े से मुश्किल हैं लेकिन जरूर आएंगे, गलती तो होगी और इससे ज्यादा क्या होगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करते रहो, गलतियां होगी, सीखते रहो, ठीक है? देखिए आज आपने क्या क्या समझा एक बार देख लो आप। सबसे पहले हमने देखा सेकेंडरी ब्लॉक क्या होता है ना, और सेकेंडरी ब्लॉक कौन कौन से हैं। उसके बाद में हमने आपको समझाया सेकेंडरी ब्लॉक के अलावा कि स्लीव्स जो सैटिन है वो कौन कौन से कितने तरीके की हैं। आज सैटिन इसीलिए लिया क्योंकि कुछ शायद स्लीव की अब एक ही क्लास हम लास्ट अभी बची है हमारी, तो हम इनमें से कुछ पैटर्न आपको बता देंगे ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि पैटर्न बनेंगे किस तरीके से। इसलिए ये स्लीव्स बताइए कि बिशप है जिसमें बॉटम में गैदर आता है, बेल है जो बॉटम फ्लेयर रहेगा, लैंटर्न है, काउल है, आपको अलग अलग स्लीव के हमने नाम बताए, कुछ को बताया किस तरीके से दिखती है, किस तरीके से होती है, ठीक है? और जैसे कि आपकी बिशप हो गई, आपकी पेगोडा स्लीव है, आपकी ये बटरफ्लाई स्लीव है ना, पफ स्लीव है, केप स्लीव है, जूलियट लेगो मटन स्लीव है। फिर उसके बाद हमने ब्लॉक को समझा, ब्लॉक में आपने प्राइमरी ब्लॉक से अडेप्ट किया है सेकेंडरी ब्लॉक। सेकेंडरी ब्लॉक जो आपका है वो एक तो सेमी फिटेड है जिसमें आप रिस्ट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे बाकी अपने पैटर्न को, और उसके बाद में सेकेंडरी डेवलप होने के बाद में सेकेंडरी एक फिट सेमी फिटेड है और दूसरा फिटेड है। अगर आपको सेमी फिटेड से अडेप्ट करना है तो अब आपका यहाँ पे बन चुका है, अब जितने भी पैटर्न आप अपने क्रिएट करोगे इससे बनाओ। अगर आपको सेमी फिटिंग पसंद है ना, तब आप अपने आगे के पैटर्न इसी ब्लॉक से क्रिएट करोगे, लेकिन आपकी चॉइस है फिटेड की तो अब वो दूसरा वाला। ये दोनों अब आपके फाइनल ब्लॉक हैं जिनसे आप आगे आने वाले पैटर्न्स बनाने वाले हो, ठीक है? तो असाइनमेंट में ये है कि आप प्राइमरी दोनों ब्लॉक बना के सेंड करेंगे, सेमी फिटेड और फिटेड, ठीक है? मुश्किल था सेशन मालूम है मुझे, बट ऐसा नहीं है, कोशिश करोगे जरूर समझ में आएगा, और ये बहुत जरूरी सीखने वाली चीजें हैं। प्रैक्टिकल अभी आने वाले हैं, मान लीजिए गारमेंट कंस्ट्रक्शन आ गया या इन्हीं में से कुछ आपको स्लीव ब्लॉक से मैनिपुलेट करके आपको दूसरी स्लीव क्रिएट करना आ गया तो आपको आना चाहिए। इसलिए मैंने ये जो जो मुझे लगा है कि इम्पोर्टेंट है टॉपिक्स और हमको लेने चाहिए ट्रेनिंग, इसको समझाना चाहिए। वैसे ये वाला एक तरीके से तो जैसे आई थिंक सिलेबस का अगर हम हिस्सा देखें तो जनवरी के आसपास का कंटेंट रहा है, बट फिर भी आप भूल गए होंगे घर पे उस समय कुछ है नहीं, जो बच्चे होस्टलर्स हैं उनका मैक्सिमम मटेरियल हॉस्टल में रखा है, इसलिए मुझे ये कुछ एक सेशन अपने लेने पड़े ताकि आप वापस से रिकॉल हो जाए। आप जब गारमेंट एग्जाम में गारमेंट कंस्ट्रक्शन या कुछ आता है तो एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है? अच्छा अभी एक और चीज है, कल हमारी इवनिंग में क्लास है, मॉर्निंग में नहीं होगी, तो आप लोग इवनिंग में कल मिलते हैं हम अराउंड इसी टाइम पे। कोई क्वेश्चन और है आप लिख दीजिए, आज सब बच्चों को मुश्किल लगा है ना मालूम है मुझे। बेटे मिल जाएंगे अभी निम्मी वीडियोस मिल जाएंगे, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, आप उसकी चिंता मत करो, आप सेशन अटेंड करो, वीडियो देर सवेर आपको मिल ही जाएंगे, और अभी भारत स्किल पे भी शायद अपलोड करने का चला, जैसा भी आपको मिल जाएंगे, बट आप सेशन अटेंड किया करो तो उसमें एटलीस्ट क्लियर रहेगा आपको। मैंने खुद ही देखे थे वीडियो, मैक्सिमम है, अवेलेबल है, आप सर्च करो थोड़ा सा। एल्बो लाइन को हाफ कट करना है क्या? नहीं, एल्बो लाइन को हाफ नहीं करना। एग्जाम कब तक होंगे बता, मालूम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मैडम को भी नहीं पता कब तक होंगे, ठीक है? अब हम सेशन एंड करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम के बारे में ही है केवल। तो वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी अभी, ठीक है? चलिए
थैंक यू।